Hello dear student, in this video we will discuss the another part of phloem. We have already discussed like sieve cells in the form of sieve plates and sieve tubes, right? Now we will discuss that is a companion cell, right? This is the companion cell, right? Now दीज आर द स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल होती है जो क्लोजली एसोसिएट होती है विथ सीव ट्यूब एलिमेंट. अ सिंगल कंपेनियन सेल होती है सीव ट्यूब मैनर मेंबर मेम्ब्रेन के साथ में मेम्बर के साथ में, ठीक है. नाउ भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि भाई अगर ये सीव ट्यूब से तो इसके साथ में क्या होती है कंपेनियन सेल एसोसिएट होती है और ये सीव डाइग्राम होता है ऐसे होता है, राइट. नाउ अ सिंगल कंपेनियन सेल इज फाउंड एसोसिएटेड विथ अ सीव ट्यूब मेंबर. साइटोप्लाज्म जो होता है सीव ट्यूब का एलिमेंट का कंपेनियन सेल जो होती है कनेक्टेड बाय द थिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड एक उससे कनेक्ट होती है. हमें मालूम है वो जो कनेक्शन के लिए जो स्पेसिफिक जंक्शन होता है प्लांट सेल में दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा. पासिंग थ्रू द पिट. अच्छा पिट मीन्स क्या होता है दैट इज़ अ पाथवे जो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब का क्या होता है कनेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पिट. पिट मेम्ब्रेनस जो होती है उनके वॉल में पिट्स होते हैं. कंपेनियन सेल आर एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं बट टेरिडोफाइट उसमें एबसेंट होते हैं. दे हैव अ एल्बुमिनस सेल और वो क्या होती है जनरली एल्बुमिनस सेल होती है. कंपेनियन सेल एसोसिएशन विथ कंपेनियन पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा के साथ लगी रहती है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब. अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट मतलब होता है जब भी चीज़ें क्या होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है और वो किसके थ्रू किया जाता है कंपेनियन सेल में. दे आर लिंक बिटवीन द सीव सेल एंड अदर सेल. दोनों के बीच की लिंक कनेक्टिंग लिंक होती है रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल, राइट. थर्ड फ्लोएम सेल इज कॉल्ड एज फ्लोएम पैरेन्काइमा, राइट. मेडअप ऑफ एलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल एंड होते हैं. साइटोप्लाज्म डेंस होता है. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेल वॉल में सेल्युलोज होता है. पिट्स होते हैं. प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है भाई एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिस एग्जिट बिटवीन द सेल. स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं. सब्सटेंस लाइक रेजिन लैटेक्स म्यूसिलेज ये सारे सब्सटेंस भी क्या होते हैं स्टोर्ड होते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडॉन. मोनोकोटिलेडॉन में ये क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं. फोर्थ सेल ऑफ फ्लोएम दैट इज़ अ फ्लोएम फाइबर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर जो हमने बोला था किसके होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल मतलब लिग्निन होती है. प्राइमरी फ्लोएम में एबसेंट होते हैं बट सेकेंडरी फ्लोएम जब होता है मतलब प्रोटो में एबसेंट होता है मेटा में क्या होता है प्रेजेंट होता है. सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर क्वाइट थिक होती है. एट मैच्योरिटी ये जो फाइबर होते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाता है लॉस हो जाता है और ये डेड हो जाते हैं, राइट. द फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट फ्लैक्स हेम्प हैव इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक. इनका जो है यूज़ है ही है मार्केट में. हमें मालूम है हैम्प का है फ्लैक्स का है. जूट जूट भी एक नेचुरल फाइबर होता है तो इनमें इसका यूज़ होता है. नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज द टिश्यू सिस्टम, राइट. टिश्यूज ऑल्सो वेरी अलग अलग टिश्यूज होते हैं उनकी लोकेशन के बेस पे प्लांट की बॉडी पर डिपेंडेंट करते हैं. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन. दस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड लोकेशन ये मेनली तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू. सेकेंड इज ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू. एंड तीसरा होता है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, राइट. तो टर्न बाय टर्न हम डिस्कस कर लेते हैं दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इट मीन्स क्या होता है देखो अब मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ जनरली कि अगर मैं एक सेल की स्ट्रेंथ की लेयर्स देखूँ तो इट कंटेंट्स सेवन लेयर्स, राइट. ठीक है.
हर सेल का अगर आप देखते हैं तो उसमें टोटल कितने लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती है। एक होती है एपिडर्मिस, सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस। उसके बाद में होती है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में कॉर्टेक्स के अंदर होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर होती है दैट इज वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और सेंटर में क्या होता है दैट इज अ पीथ, राइट। अब जो हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करते हैं वो सबसे पहले होती है दैट इज इन एपिडर्मिस, राइट। हम इसी की बात कर रहे हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी होती है। बहुत सारे कंपोनेंट्स लाइक एपिडर्मल सेल है, स्टोमेटा है, और बहुत सारे ट्राइकोम्स है, एम्बरजेंसिस है, ये सारे इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो एपी मीन्स होता है डर्मा, दैट इज कॉल्ड स्किन होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है। एपिडर्मल सेल जो होती है वो अलग अलग शेप और साइज़ की होती है, राइट, और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, कंटिन्यूस लेयर फॉर्म होती है। ये जो लेयर होती है कहीं कहीं पे क्या होती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है, जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सेपरेटेड होती है बाय द इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है। इट इज़ यूजुअली सिंगल लेयर होती है, बट इट इज़ ऑल्सो मल्टी लेयर इन द एरियल रूट एंड ऑर्किड्स। जनरली सिंगल लेयर होती है बट कभी कभी मल्टी सेलुलर भी होती है। एरियल रूट्स जो किसमें प्रेजेंट होती है, ऑर्किड एंड लीव ऑफ द नेरियम एंड फाइकस इलास्टिका में भी प्रेजेंट होती है, बट इनमें कौन सी होती है, ये मल्टी लेयर होती है, राइट। नाउ हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती है, लिविंग होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल पे आउटर साइड पे थोड़ा सा थिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जितने भी जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं ये थिकर होती हैं। इन रूट्स, अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एपिब्लेमा, राइट। आउटर मोस्ट लेयर को हमने क्या बोला, एपिब्लेमा। कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एपिब्लेमा इन केस ऑफ रूट एंड एपिडर्मिस इन केस ऑफ स्टेम, ध्यान रखिएगा आउटर मोस्ट लेयर। अदर सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं इसके ऊपर, दैट इज़ क्यूटिकल होती है जो कि ऑयल हो सकता है, रेजिन हो सकता है, सिलिकॉन सॉल्ट लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के भी क्यूटिकल्स फॉर्म हो सकती है, राइट। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि कहीं कहीं पे जो एपिडर्मिस होती है वो क्या हो जाती है, छूट जाती है, वहाँ पर एक ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमेटा, राइट। स्ट्रोमेटा सिंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ओपनिंग होती है एपिडर्मस में ऑफ द मोस्ट एरियल प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। स्पेशली कहाँ पर होती है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड, राइट, और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, राइट। गार्ड सेल के बीच में स्टोमेटल पोर होता है, तो इसको मैं डाइग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि अगर मैंने बनाया है बीन शेप, राइट, ये है, ये एक स्टोमेटा है, ये बीन शेप्ड गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के बीच में क्या होता है, स्टोमा, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर ये वाला, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई बीच में गार्ड सेल होती है जनरली, अच्छा स्टोमेटल पोर होता है, और गार्ड सेल जनरली स्मॉलर इन साइज होती है कंपेयर टू अदर एपिडर्मल सेल। आप दूसरी एपिडर्मल सेल से इनकी सेल क्या होती है, छोटी होती है, सेंसिटिव होती है, स्मॉल चेंजेस होते हैं ड्यू टू टर्गर प्रेशर। अच्छा, टर्गर प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टोमेटा में एक स्पेसिफिक रीजन होता है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल में ये दीज आर गार्ड सेल, राइट, तो इनकी ये जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिन होती है,
और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। तो जैसे ही वाटर क्या होता है, इंसर्ट होता है बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ से एक प्रेशर इधर से क्रिएट होता है और एक वॉल ऑफ द गार्ड सेल प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण जो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और उसी उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जो वॉल से एग्जर्ट होता है, वॉल ऑफ गार्ड सेल क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, राइट। चलिए अगर स्टोमेटल पोर की आप देखते हैं, स्टोमेटल पोर वेरीज़ फ्रॉम द स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, अलग अलग होते हैं। कितने होते हैं, 20 जिम लॉन्ग और 10 to 20 mm वाइड होते हैं, और यूजुअली कैसे होते हैं, जब वो फुल्ली कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, राइट। तो जब ओपन है तब इनकी जो लेंथ है वो इतनी होती है। कुछ स्पीशीज़ में गार्ड सेल जो होती है वो सब्सिडरी सेल और एसेसरी सेल से क्या होती है, डिफरेंट होती है, विच डिफर मॉर्फोलॉजिकली फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल, राइट। तो अभी अब सब्सिडरी सेल की बात करते हैं। तो सब्सिडरी सेल में जनरली क्या होता है कि अगर आपने बोला है कि ये आपका स्टोमेटल की गार्ड सेल है, राइट, और गार्ड सेल में यहाँ पर साइड में जो होती है वो क्या होती है, सब्सिडरी सेल्स होती है, लाइक दिस, राइट। ये सब्सिडरी सेल्स होती है, दीज आर सब्सिडरी सेल्स, राइट, और एसेसरी सेल्स भी कह सकते हैं हम। नाउ विच डिफर मॉर्फोलॉजिकल फ्रॉम द अदर, और जो है दूसरी मॉर्फो अदर एपिडर्मल सेल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। गार्ड सेल वॉल में स्पेशल इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि भाई जब तक अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो गार्ड सेल जो है वो वॉल टू गार्ड सेल अराउंड द पोर आर फ्री एंड नॉट अटैच टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अटैच नहीं होती है। जैसे ही वाटर मूवमेंट मैंने बताया था कि वाटर फील होता है, तो स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेच होने के बाद में गार्ड सेल में क्या होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, राइट। इसी प्रॉपर्टी के कारण जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रेचिंग लेटरली होती है ड्यूरिंग स्टोमेटा ओपनिंग और स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल सराउंडिंग सब्सिडरी सेल एक दूसरे करके क्या बनाते हैं, एक स्टोमेटल एपरेटस फॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर हम ये तो हमने बीन शेप तो किसमें देखा, जनरली मोनोकॉट्स में होते हैं, बट कुछ डाइकॉट्स में होते हैं, बट अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में जो गार्ड सेल होती है वो डंबल शेप होती है, लाइक दिस, राइट, ये है, और उनमें जो शेप था वो कैसा होता है, डंबल शेप होता है, राइट, डंबल शेप होती है। स्टोमेटा मैक्सिमम जो होता है वो अपर एपिडर्मिस की लीव्स पे अवेलेबल होता है। कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनमें स्टोमेटा अपर सरफेस पे अवॉइड प्रेजेंट होते हैं, वाटर के कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई स्टोमेटा जो है वो दोनों अपर वाली एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे या लोअर वाली एपिडर्मिस पे, कहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, उसके बेस पे हम देखेंगे कि स्टोमेटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं एप्पल स्टोमेटा, अंडर साइड ऑफ द लीफ, मतलब एप्पल टाइप के स्टोमेटा वो होते हैं जो लीफ के नीचे वाली साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जनरली ये एप्पल की लीव्स में और मलबेरी की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड एज एप्पल। ऑड टाइप ऑफ स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों अपर और लोअर दोनों पे इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मेज, और ऑट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पोटैटो टाइप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बट अंडर सरफेस जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पर स्टोमेटा का नंबर क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल कैबेज, पोटैटो और बीन्स, राइट। वाटर लिली टाइप के स्टोमेटा होते हैं, तो यहाँ पर देखिए पोटैटो में हमने क्या बोला था, अंडर लीव नीचे वाली लीव में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे और ऊपर वाली में कम होते हैं, बट वाटर लिली में अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस, राइट। नेक्स्ट इज पोमोग्रेनेट, अच्छा पोमोग्रेनेट जो होता है, अच्छा यहाँ पर लिली वाला जो एक्वेटिक प्लांट्स में, और हमने बोला था कि जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में मेनली जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, अपर साइड में होते हैं वाटर कॉन्टेक्ट को अवॉइड करने के लिए। पोमोग्रेनेट की अगर हम बात करते हैं तो पोमोग्रेनेट में
स्टोमेटा वेस्टिजियल होते हैं, मतलब वेस्टिजियल आपको मालूम है कि ऐसे ऑर्गन ऐसे जिनका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं होता है या फिर क्या हो जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एग्जांपल पोमोग्रेनेट जो है, पोमोजेंटन जो है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ पोमोजेंटन टाइप, राइट। नाउ अब हम थोड़े से एपिडर्मल, स्टोमेटा के अलावा भी एपिडर्मस में कुछ स्पेसिफिक अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं आउटग्रोथ डायरेक्शन में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते हैं एपिडर्मल अपेंडिजेस आउटग्रोथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोस्ट प्लांट जो क्या करते हैं, आउटग्रोथ बियर करते हैं, इस कॉल्ड एज एपिडर्मल अपेंडिजेस, राइट। इसको हम एपिडर्मल आउटग्रोथ भी बोलते हैं। और ये फॉलोइंग कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्राइकोम्स, राइट। अच्छा, दूसरा होता है दैट इज़ एमर्जेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रिकल्स, राइट। अब सबसे पहले मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ कि ट्राइकोम्स जो होते हैं वो जनरली स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर एक मैंने डायग्राम ड्रॉ करा कि ये एपिडर्मिस है, अगर एपिडर्मिस पे ये वाला स्ट्रक्चर है तो दैट इज़ कॉल्ड, अगर रूट हेयर्स होंगे तो वी विल कंसिडर एज रूट, एपिडर्मिस ऑफ रूट, और अगर उस पर क्या होते हैं, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वी कंसिडर एज अ स्टेम एपिडर्मिस, राइट। अच्छा, रूट हेयर जो होते हैं दे आर जनरली यूनिसेलुलर, बट ट्राइकोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और रूट पे क्या होते हैं, स्टेम पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं किस पे, स्टेम पे, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोम, एंड ट्राइकोम इज मल्टी सेलुलर, ध्यान रखिएगा, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। एपिडर्मल आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है टेम्परेरली या परमानेंटली ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पार्ट्स, राइट। ट्राइकोम जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं हेयर्स में, स्केल में, ठीक है, उसके बाद में कलेक्टर्स के फॉर्म में, वाटर वेसिकल्स के फॉर्म में, ब्लडर के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ट्राइकोम स्पेसिफिक होता है किसके लिए, कि भाई ये एक स्पेसिफिक काम भी करता है, ट्रांसपिरेशन को भी क्या करता है, परफॉर्म करता है ना। एमरजेंसी स्प्रिकल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, स्टिफ होते हैं, शार्प होते हैं, एपिडर्मल आउटग्रोथ कंटेनिंग सम इनर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, राइट। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है, कि दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पर ये कि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं, एंड ग्रेजिंग, राइट। दे ऑल्सो हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट लाइक रोज। एपिडर्मल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन शो करते हैं, इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द प्लांट पार्ट, राइट। गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, जो कि निमेटोफोर रूट्स में क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, राइट। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल की प्रेजेंस के कारण ये एवोपरेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिससे वाटर लॉस कम होता है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सिक्रेट करते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, प्लांट फंक्शन के लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है, राइट। कुछ मोनोकॉट्स की लीव में अगर हम देखते हैं तो बुलीफॉर्म सेल होती है, हेल्प इन द रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव। बुलीफॉर्म सेल्स फॉर्म हो जाती है जिसके कारण पत्तियों का जो कर्व्ड कर्वनेस होती है या अनकवर्ड होती है, तो ये प्रॉपर्टी बुलीफॉर्म सेल के थ्रू क्या हो जाती है, परफॉर्म होती है, राइट। दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। और ये मेनली बुलीफॉर्म जो है वो कहाँ पर होते हैं, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में, जहाँ पर वाटर का अमाउंट क्या हो जाता है, कम होता है, और ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ताकि वो लीव्स जो होती है वो कर्व्ड हो जाती है, तो कर्व्ड होने के कारण ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ टिश्यू सिस्टम, दैट इज़ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 7 लेयर्स होती, कौन सी वाली, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पीथ, राइट। तो अब यहाँ पर हम जो ग्राउंड एपिडर्मिस में बात करते हैं, ग्राउंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम वैस्कुलर बंडल को छोड़कर जो जाइलम फ्लोएम वाली लेयर है उसको छोड़ के बाकी सारी लेयर्स का यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, मैंने बोल दिया था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, बल्क ऑफ प्लांट बॉडी के फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर इनमें जनरली हम डिस्कस करेंगे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे और पीथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ अगर हम देखते हैं टर्न बाय टर्न, हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोडर्मिस, राइट, कहाँ पर होती है, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है, आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का आउटर रीजन और एपिडर्मिस का जस्ट इनर रीजन,
इट कंटेन्स वन और टू फ्यू कंटिन्यूस लेयर होती है, किसकी होती है, कोलेनकाइमा की होती है, और ये स्पेसिफिकली किस में होते हैं, डाइकॉट्स में होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो किस में होते हैं, मोनोकॉट में। इसका मतलब हाइपोडर्मिस में अगर कोलेनकाइमा की बनी हुई है तो वो डाइकॉट में होगी, और अगर स्क्लेरेनकाइमा है तो वो मोनोकॉट में होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है और मैकेनिकल फंक्शन भी क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज़ अ कॉर्टेक्स, राइट। कॉर्टेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, कॉर्टेक्स लाई बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस कंसिस्टिंग। इसका मतलब है कि कॉर्टेक्स की जो रीजन होती है, कॉर्टेक्स के जस्ट ऊपर वाली जो रीजन है वो हाइपोडर्मिस है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो है वो हाइपोडर्मिस। बट अब हम क्या बोल रहे हैं कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पैरेन्काइमा पैरेन्काइमेटस सेल होती है, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और इसकी जो लेयर्स होती है वो मल्टी लेयर्स होती है, तो ये कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।